जावियाई हटाव देखने के बाद हम ये पॉइंट देख रहे हैं जावियाई रफ्तार। तो जावियाई रफ्तार की तारीफ यहां इस तरीके से कि जावियाई रफ्तार बराबर जावियाई हटाव की तब्दीली बटे वक्त। इसको जो है जुमले के अंदर इस तरीके से कहा जा सकता है कि जावियाई हटाव की तब्दीली की शरह, जावियाई हटाव की तब्दीली की शरह को जावियाई रफ्तार देखते हैं। तो जिस तरीके से जाविया हटाव एक सीमित मिकदार है, जाविया रफ्तार भी एक सीमित मिकदार है। ये सीमित मिकदार है। अब जब कभी ये कहा जाता है कि वो सीमित मिकदार है तो उसका सीमित बताना जरूरी होता है, उसका सीमित बताना जरूरी होता है। इस तरीके से कि भाई ये जाविया रफ्तार की सीमित कौन सी है, इसकी सीमित क्या है। तो इसकी सीमित भी जो है जाविया रफ्तार की सीमित, ये जाविया हटाव के सीमित के मानिंद ही होती है, इसके माफी की होती है। यानी जो सीमित जाविया हटाव की है वही सीमित जो है वो जाविया रफ्तार की भी होती है। और जाविया हटाव की सीमित पहले हमने राइट हैंड रूल के जरिए देखे, उसी तरीके से वही नेस्त पर जाविया रफ्तार की सीमित भी बताई जा सकती है। अब जावे रफ्तार जो है वो ओमेगा से जाहिर करते, जावे रफ्तार ओमेगा से जाहिर की जाती है, ये डब्ल्यू के मानिंद सिंबल, ये हो गया ओमेगा। तो ओमेगा बराबर यहां पर जावे हटाव जो है वो थीटा या डेल थीटा से जाहिर करते। तो मैं अगर यहां पर ये डी ओमेगा लेता तो मैं यहाँ जो जावे हटाव है वो डेल थीटा से जाहिर करता, लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ जावे रफ्तार ओमेगा से बताया है इसलिए जावे हटाव जो है वो थीटा से दिखा रहा हूँ और ये वक्त जो है वो टी से दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसको हर चीज को अगर समझ लो ओमेगा को टी डी लगाता हूँ तो ये दोनों को भी डी डी लगाना पड़ेगा, मतलब डी ओमेगा बराबर डी थीटा बाय डी टी। या अगर मैं इसको समझ लो डेल लगाता हूँ ये सिंबल, तो फिर यहाँ पर ये इस तरीके से होगा कि डेल ओमेगा बराबर डेल थीटा बाय डेल टी। ठीक है, तो यहाँ ओमेगा बराबर थीटा बाय टी। इसको जो है अब यहाँ से इसकी इकाई निकालेंगे तो हमें पता है कि जो थीटा है जावे हटाओ इसकी जो इकाई है वो रेडियन है और वक्त की जो इकाई है वो सेकंड है। तो ये हो गया रेडियन पर सेकंड, यानी जावियाई रफ्तार की इकाई रेडियन पर सेकंड। इसके अगर ये बात लिखने हैं तो इस तरीके से होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे एलएमटी। रेडियन के लिए तो ये सब जीरो जीरो रहते, लेकिन यहाँ पर ये सेकंड है जो बटे में है और उसकी कुव्वत एक है, तो यहाँ ये रहेगा एल जीरो एम जीरो टी माइनस वन, एल जीरो एम जीरो टी माइनस वन। इसको शॉर्टकट में इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, टी की कुव्वत माइनस वन। तो यहाँ ये समझ लो इसकी इकाई और बात दोनों हमने देखे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है एंगुलर एक्सीलरेशन। उर्दू में इसे जावियाई इसरा कहते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन, जाविया इसरा। अब इसको इक्वेशन के तौर पर इस तरीके से लिखा जा सकता है, जाविया इसरा बराबर जाविया रफ्तार की तब्दीली
बटे वक्त। ये इक्वेशन के तौर पर इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि जाविया इसरा बराबर जाविया रफ्तार की तब्दीली बटे वक्त। तो जिस तरीके से पिछली तारीख हमने इस तरीके से बनाए थे कि जाविया हटाव की तब्दीली बटे वक्त जब लिखे जाविया रफ्तार बराबर, तो तारीख जुमले के अंदर में उसको इस तरीके से बोला गया था कि जाविया हटाव की तब्दीली की शरह को जाविया रफ्तार कहते हैं। उसी नेस्त के ऊपर में ये तारीख भी समझ लो बनाई जा सकती है कि जाविया रफ्तार की तब्दीली की शरह को जाविया रफ्तार की तब्दीली की शरह को जाविया इसरा कहते हैं। जाविया इसरा जो है वो अल्फा से जाहिर करते, जाविया इसरा अल्फा से जाहिर करते जो इस तरह है अल्फा बराबर, और जाविया रफ्तार जो है वो ओमेगा से जाहिर करते, और वक्त जो है वो टी से जाहिर करते, यानी अल्फा बराबर ओमेगा बाय टी, अल्फा बराबर ओमेगा बाय टी। अब इसके इकाई लिखना है, तो जैसा हमको मालूम है कि ये ओमेगा की जो इकाई है वो रेडियन पर सेकंड है, ओमेगा की इकाई रेडियन पर सेकंड, और ये जो वक्त है यहाँ पर टाइम, इसकी भी इकाई जो है वो सेकंड। इसको सॉल्व करने के बाद ये होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी जाविया इसरा की इकाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। इसके अगर ये बात लिखे जाए तो इस तरीके से होंगे एल जीरो, एल जीरो टी की कुवत वजा दो, एल जीरो एम जीरो टी टू द पावर माइनस टू, इस तरीके से ये इसके इबाद होंगे। अब ये जैसा मैंने बताया कि जाविया हटाओ ये एक सिमती मिकदार है जिसकी सिम दाएं हाथ के कानून के जरिए दी जा सकती है, उसी तरीके से जाविया रफ्तार ये भी एक सिमती मिकदार है जिसकी सिमत जाविया हटाओ के मानिंद होती है, मतलब दोनों की सिम जो है वो एक जैसी होती है, जाविया हटाओ और जाविया रफ्तार दोनों की भी सिमत जो है वो एक जैसी होती है, और जिसे राइट हैंड रूल के जरिए दिखाया जा सकता है। उसी तरीके से ये भी एक सिमती मिकदार है, तो फिर इसकी भी सिमत का हमें पता होना चाहिए कि जाविया इसरा की सिमत क्या है, इसकी सिमत किस जानी होती है। तो जाविया रफ्तार की जो जाविया इसरा की जो सिमत है वो जाविया रफ्तार के मुआफिक होती है, जाविया इसरा की सिमत जाविया रफ्तार के मुआफिक होती है, हमेशा नहीं, कब, कि जब रफ्तार में वक्त के साथ इजाफा हो, अगर वक्त के साथ रफ्तार में इजाफा होता है तो जाविया इसरा की सिमत जाविया रफ्तार के मुआफिक होती है, लेकिन अगर वक्त के साथ जाविया रफ्तार के अंदर में कमी वाक्य होती है तो जाविया इसरा की सिम जाविया इसरा की सिम जाविया रफ्तार के मुखालिफ होती है, जिसको हम शक्ल के अंदर इस तरीके से बता सकते हैं। देखिए यहां पर बोले थे कि अल्फा ओमेगा या बार भी दे सकते हैं इसको, उसी तरीके से थीटा बार ओमेगा बार अल्फा बार ये सभी की सिमत जो है एक जैसी रहेगी, कब, कि जब जाविया रफ्तार में वक्त के साथ इजाफा होता हो। लेकिन अगर इस तरीके से हुआ कि यहां वक्त के साथ जाविया रफ्तार के अंदर में अगर कमी वाक्य होती है तो इस सूरत के अंदर में हम ये देखेंगे कि ओमेगा बार या थीटा बार की सिमत तो ये रहेगी, मगर यहां पर इसकी जो सिमत है वो बदल जाएगी, अल्फा बार की सिम इससे मुखालिफ रहेगी, कब,
कि अगर जाविया रफ्तार में वक्त के साथ अगर कमी वाकई होती है तो जाविया हटाव की सिम और ये जाविया इसरा की सिम एक दूसरे के मुखालिफ होंगी, लेकिन अगर जाविया रफ्तार में वक्त के साथ इजाफा होता हो तो ऐसी सूरत में ये तीनों की भी जो सिम है वो एक जैसी होंगी, एक दूसरे की मानिंद होंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है सेंटीपिटल फोर्स। उर्दू में मरकस जो इसरा जो जानिब मरकज जो इसरा तो सबसे पहले हम मरकज जो इसरा की तारीफ देखेंगे कि मरकज जो इसरा क्या है। तो दायरवी हरकत करने वाले जर्रे पर दायरे के निष्प पुत्र के अतराफ मरकज की जानी अमल करने वाली कुवत को मरकज जो कुवत कहते हैं। दायरी हरकत करने वाले जर्रे पर यानी ये शर्त है, ये मरकज जो कुवत या मरकज गुरेज कुवत ये दिखाने के लिए ये शर्त है कि उस जर्रे ने उस जिस्म ने पहले दायरी हरकत करना। तो दायरी हरकत करने वाले जर्रे पर दायरे के निष्प पुत्र के अतराफ दायरे के मरकज की जानी अमल करने वाली कुवत को मरकज जो कुवत कहते हैं। अब यहां पर कुछ इसकी मिसालें हैं। तो मिसालें जिस तरीके से मैंने एकदम स्टार्टिंग के अंदर में जो बीए लेसन शुरू किया तो कुछ मिसालें मैंने दिया था, जैसा मैंने एक मिसाल दिया कि चांद जमीन के अतराफ दायरी मदार में गर्दिश करता है, तो यहां इसे गर्दिश करने के लिए मरकज जो कुवत की जरूरत होती है। जो मरकज जो कुवत चांद और जमीन के दरमियान की सकली कुवत की वजह से हासिल होती है। इसी तरीके से किसी भी जोहर के अंदर मरकज के अतराफ दायरी मदार में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, तभी इलेक्ट्रॉन को दायरी मदार में गर्दिश करने के लिए मरकज जो कुवत की जरूरत होती है। जो इसे कहां से हासिल होती है, तो जो इसे मुजबित बारदार मरकजा, क्योंकि मरकजा जो है वो मुजबित बारदार होता है और इलेक्ट्रॉन पर मनफी बार होता है, तो मुजबित बारदार मरकजा और मनफी बारदार इलेक्ट्रॉन के दरमियान की बर्क सकूनी कुवत की वजह से हासिल होती है। इसी तरीके से जब गाड़ी किसी मुनहनी उसकी सड़क से गुजरती है तो गाड़ी को मरकज जो कुवत की जरूरत होती है। जो गाड़ी को गाड़ी के टायर और सड़क के दरमियान रगड़ की कुवत की वजह से हासिल होती है। और एक मिसाल यहां पर दी जा सकती है कि अगर किसी जिस्मों को डोर के एक सिरे से बांध कर उसकी दायरे के अंदर में घुमाया जाए तो यहां पर इसे दायरी हरकत करने के लिए मरकज जो कुवत की जरूरत होती है, जो इसे डोर में मौजूद तनाव के जरिए हासिल होती है। तो इस तरीके से ये मरकज जो कुवत हम देख रहे थे, पहले हमने तारीख देखे और उसके बाद में इसकी तीन चार मिसालें देखे। एक आध दो मिसालें यहाँ पर काफी है ख्याल में रखने के लिए और तारीख। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है मरकज गुरेज कुवत, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मरकज गुरेज परेज तेतेरास मरकज गुरेज कुवत।
यहाँ जिस तरीके से हमने मरकज जो कुव्वत की तारीफ किए थे उसमें ये बताए थे कि मरकज की जानी वमन करने वाली कुव्वत को मरकज जो जो जानी, अब यहाँ मरकज से पूरे परेस करने वाली तो ये मरकज से परे भागेगी, मतलब ये है कि मरकज से परे अमल करने वाली कुव्वत, तो दायरी हरकत करने वाले जर्रे पर, दायरी हरकत करने वाले जर्रे पर दायरे के निष्फ कुतर के अतराफ मरकज से परे अमल करने वाली कुव्वत को मरकज गुरेज कुव्वत कहते हैं। दायरी हरकत करने वाले जर्रे पर या जिस्म पर दायरे के निष्फ कुतर के अतराफ मरकज से परे अमल करने वाली कुव्वत को मरकज गुरेज कुव्वत कहते हैं। अब जिस तरह पहले हमने मरकज जो कुव्वत की तारीफ देखे और कुछ दो चार मिसालें देखे, उसी तरीके से मरकज गुरेज कुव्वत की भी कुछ तारीफ के बाद हम कुछ यहाँ पर मिसालें देखेंगे। तो अब ये मिसालों के अंदर में एक बहुत ही बढ़िया मिसाल ये कि हम सभी ने जो है वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर है वो देखे, ड्रायर कपड़े सुखाने का जो आला होता है ड्रायर, ठीक है, तो उस आले के अंदर में हमने देखे कि वो इस्तेवाना नुमा होता है और उसके अंदर में बहुत से सुराख होते हैं, जब गीले कपड़े उसके अंदर में डालकर जब वो तेजी से घूमता है बटन ऑन करने के बाद जब वो घूमता है तो ये जो कपड़े हैं वो इस्तेवाने की दीवार से चिपक जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर में मरकज ग्रेस कुवत अमल करती है, जिसके नतीजे में वो कपड़ों में का जो पानी है वो इस्तेवाने की दीवार से बाहर निकलता है और कपड़े सूख जाते हैं। एक मिसाल ये देखें। और कुछ हमने खेल, जब हम समझ लो खेलते तो कुछ बच्चों ने इस तरीके से भी खेल खेला होगा कि किसी छोटे डिब्बे या फिर समझ लो कोई छोटी बकेट को जो है डोर का एक सिरा बांधा और उसको अगर एक मखसूस रफ्तार से घुमाया जाए तो मखसूस रफ्तार से घुमाने पर ताकि उससे पानी ना गिरे इतनी रफ्तार से कि वो उल्टी होने के बाद भी जब बकेट पूरी तरीके से पलट जाए तब भी उसमें से कोई पानी ना गिरे, ऐसा उसको इस रफ्तार से घुमाया जाए क्योंकि एक मखसूस रफ्तार लगेगी, तो अगर उस भरी हुई बकेट को डोर का एक सिरा बांधकर मखसूस रफ्तार से घुमाया जाए ताकि पानी ना गिरे, तो इस सूरत में हम ये देखते हैं कि वो जो पानी का जो वजन है वो मरकज गुरेज कुव्वत के जरिए तवाजुन में रहता है, मतलब ये है कि ये जो मरकज बनेगा इसके जरिए जो दायरा बनेगा तो दायरे के मरकज से मरकज गुरेज कुव्वत परे अमल करती, मतलब ये है कि पानी को बकेट के वो जो बॉटम है उसकी तरफ ढकेले रखेंगी जिसकी वजह से वो पानी नीचे नहीं आएगा। दूसरी मिसाल ये है, हमने ये भी देखे कि गाड़ी एक सीधे रास्ते से चल रही है और अचानक समझ लो वो मुड़ जाए, तो ऐसी सूरत में अगर वो बाएं जानी मुड़ती है तो उसमें बैठे जो मुसाफिर है वो दाएं जानी झुकते हैं क्योंकि उनके ऊपर में मरकज ग्रेस कुव्वत अमल करती है। हमने ये भी देखे जो मेरी गो राउंड होता है, जैसा कि बच्चों के खिलौने के लिए कोई एक गोल बना हुआ कोई एपरेटस जिसके ऊपर में समझ लो कोई तार या फिर समझ लो घोड़ा गधा गाय बैल इस तरीके से समझ लो चैन के जरिए लगाए हुए रहते हैं और जब वो घूमता है तो ये सब के सब जो है बाहर की जानिब झुकते हैं क्योंकि इनके ऊपर में मरकज गुरेज कुव्वत अमल करती है, यानी मेरी गो राउंड जब अपने उंगली महवर के अतराफ में घूमता है इस पर बैठा बच्चा जो है अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि कोई उसे ढकेल रहा है, तो कोई उसे ढकेल रहा है कोई नहीं ढकेलता बल्कि यह है कि उसके ऊपर में मरकज गुरेज कुव्वत अमल करती है जिसके नतीजे में वह ऐसा महसूस करता है।